स्वागत है मित्रों एक्सप्लेनर यदु की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे मैं इतनी गर्मी में बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ और तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि अब तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं फ्यूचर में भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो तुम्हारे लिए ला सकूं। तो अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1945 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सोल्जर प्लेन में बैठ के नाजी की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें पता लगता है कि नाजी सरेंडर करने से पहले उनके ऊपर एक न्यूक्लियर बम से अटैक करेगी, तो उसी को रोकने के लिए वो सब सोल्जर जा रहे होते हैं। फिर वो प्लेन में बैठे हुए सारे सिपाही लैंड करते हैं और अटैक करने लग जाते हैं नाजी सोल्जर्स पे। और हमें पता लगता है कि उन अमेरिकन सोल्जर को लीड कर रहा होता है अपना कैप्टन अमेरिका। तभी नाजी सोल्जर अपने सुपर पावर न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर देते हैं अमेरिका के ऊपर। तभी उस न्यूक्लियर वेपन पे कैप्टन अमेरिका चढ़ जाता है और उस वेपन को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण से कैप्टन अमेरिका पानी की ओर गिरने लग जाता है और सब लोगों को लगता है कि कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहा। फिर 60 साल बाद शील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें कैप्टन अमेरिका बर्फ में दबा हुआ मिलता है। फिर वो कैप्टन अमेरिका को अपनी शील्ड में लाते हैं और उसे रिकवर करते हैं, क्योंकि अब भी कैप्टन अमेरिका की सांसें चल रही होती हैं। फिर हमें शील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि हल्क जो अपनी इंसानी फॉर्म में होता है वो शील्ड के लिए काम कर रहा होता है। तभी वो सब लोग एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं। स्पेस में एक एलियन शिप उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से अपने अर्थ पे काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा होता है। फिर निक फ्यूरी काफी सारे अवेंजर्स को इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं, फिर वो काफी अवेंजर को इकट्ठा कर भी लेते हैं, पर थोर ने ज्वाइन नहीं करता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एलियन शील्ड की फैसिलिटी में घुस जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तभी निक फ्यूरी अपनी अवेंजर वाली टीम को भेजता है उनका सामना करने के लिए। तो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मिशन फेल हो जाता है और वो एलियन भी डॉक्यूमेंट लेके भाग जाते हैं। फिर निक फ्यूरी उन सब पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और हल्क जो अपने इंसानी फॉर्म में होता है उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि सुपर सोल्जर सीरम तैयार हुआ या नहीं। फिर क्रूज बैनर उसे बता देता है कि मैं ऐसा कोई सा भी सुपर सोल्जर सीरम तैयार नहीं कर रहा था, असल में वो अपने लिए ऐसा सीरम तैयार कर रहा था जिसकी वजह से वो अपने हल्क वाले फॉर्म को काबू में कर सके। फिर वो एक चेंबर में जाता है, उस सीरम को अपने ऊपर इंजेक्ट कर लेता है। फिर हमें कमाल देखने को मिलता है कि हल्क अब उसके काबू में है। फिर वो एलियन की शील्ड वाली शिप पे अटैक कर देते हैं। फिर उन सबको बचाने के लिए अवेंजर भी वापस आ जाते हैं। फिर हल्क भी उन सबको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और थोर भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं वो नई बनी हुई अवेंजर की टीम उन सब एलियन पे भारी पड़ जाती है और जीत जाती है। पर फिर वही होता है जिसका हमें अंदाजा था, हल्क अपने काबू से बाहर हो जाता है और वो बाकी अवेंजर पे भी हमला करने लग जाता है। वो थोर का स्टॉर्म वेकर उठाकर थोर पे ही फेंक के मारता है। ब्लैक विडो हल्क पे उसका इंजेक्शन लगा देती है, जो हल्क ने अपने लिए बनाया होता है जब वो काबू से बाहर हो जाएगा। फिर हल्क के साथ काम करने वाले डॉक्टर ने भी उसको शांत कराती है प्यार से बात करके। फिर हल्क भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसका इंसानी फॉर्म रहता है क्रूज बैनर वाला। फिर क्रूज बैनर को निक फ्यूरी एक अनब्रेकेबल ग्लास के चेंबर में डाल देता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी होती है निक फ्यूरी की। और बाकी अवेंजर के लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये मूवी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसों से सपोर्ट करो, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मेरा चैनल भी अच्छा खासा ग्रो हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।